क्लाउड टेक्नोलॉजी है और उसके एप्लीकेशन है वो एंटरप्रेन्योर के लिए न्यू उनको अंडरस्टैंड करना। देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है जब वो किसी आइडिया के साथ अपने किसी रिसोर्सेज के साथ कोई नया बिजनेस नया टास्क या नया स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। ठीक है, तो उसको क्या जरूरत होती है, उसको सिस्टम स्ट्रक्चर सिस्टम सपोर्ट की जरूरत होती है। सिस्टम सपोर्ट में जहाँ आपको ये और बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं। अब जब उसके पास इतना बजट नहीं होता क्योंकि और भी नया नया अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है तो उसके लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो इतना ही बहुत बेनिफिशियल होता है। तो कैसे, आपको देखिए बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको डेटा उसका रिकॉर्ड उस डेटा से इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये सारा प्रोसेस आपको चाहिए। अगर आप क्या करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेते हैं, आप अपना बहुत बड़ा एक जो है सिस्टम जो है ऐसा कोई कंसल्टेंट लेते हैं जो सारे उस डेटा को स्टोर भी करे ड्राइव भी करे रिपोर्टिंग भी करे और जिसका डेटा को लेकर आप आगे जो है वो काम कर सकें तो वो एक आपके लिए प्लानिंग भी हो सकता है और कॉस्ट भी हो सकता है। और अगर आपको ये पता हो कि मैं क्लाइड टेक्नोलॉजी जिसमें ड्रॉप बॉक्स है जिसमें गूगल ड्राइव है जिसमें कोई ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर हैं इवन दैट के और कहीं नहीं तो एक्सेल पर ही आपके पास डेटा रिकॉर्डिंग और उसको यूज़ करने का आपके पास तरीकाकार आता हो तो आप सबसे पहले क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं उस डेटा से इंफॉर्मेशन को ड्राइव करते हुए उस इंफॉर्मेशन को अपने बिजनेस में लगाकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको ये फ़ायदा दे रही है, आपके जितना भी बड़ी बड़ी हैवी फाइल्स हैं जो फाइल्स आपके लिए डे टू डे बेसिस पर आपने शेयर कर दी है नेशनली या इंटरनेशनली तो आप क्लाउड टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी काम को बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपनी बेसिस पर ना इनकी क्या करते हैं कि वो हवाओं में ही चलाते हैं और लक की बेसिस पर बिजनेस करने की कोशिश करते हैं एंटरप्रेन्योर, ऐसा नहीं होता और ना ही उसको ऐसा होना चाहिए। ही और शी मस्ट बी अ स्मार्ट पर्सन, वो इंटेलिजेंट बंदा होता है हर चीज़ को प्रॉपर प्लानिंग के साथ करता है। तो वो ऐसे रिसोर्सेज को जहाँ से जो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, ऐसे रिसोर्सेज जहाँ पर वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, जहाँ से उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी हो वो अपने आप बेहतर से बेहतर डिसीजन कर सके। ठीक है, इम्प्लीकेशन में बहुत सारी ऐसी कंपनीज बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो इससे क्लाउड टेक्नोलॉजी से खुद को कनेक्ट तो कर चुके हैं लेकिन उनका ये कंसर्न रहता है कि कहीं हम रिस्क पर तो नहीं है, क्लाउड टेक्नोलॉजी में जो आपका डेटा पड़ा होता है वो हाईजैक भी हो सकता है, वो डेटा कोई और इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, लेकिन उसकी आप ये देखेंगे जब आपके पास रिसोर्सेज कम हैं जब आपके पास कास्ट कम है तो क्लाउड टेक्नोलॉजी आपको कम कॉस्ट के अंदर आपको डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करती है, आपको जो है वो डेटा की शेयरिंग प्रोवाइड करती है, आपको अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन बल्क की सूरत में अपने ग्राफिक्स की सूरत में किसी को पहुंचानी है किसी से इंफॉर्मेशन को लेनी है तो क्लाउड टेक्नोलॉजी है वो आपकी बेसिकली बड़ी क्या करती है। ठीक है, ज़्यादा समझ आने की क्वेश्चन।